अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम यार भाई, ये तकरीबन 1.5 हफ्ता हो गया मेरे ख्याल में, या 10 दिन हो गए हैं। 10 दिनों के अंदर कोई तीसरा या चौथा चक्कर लगा लिया आपने हमारी शॉप का। जी ऐसे ही है, आपके पास जो फ्रेग्रेंसेज हैं वो बड़ी अच्छी हैं माशाल्लाह, और उससे भी बढ़ के जो आपका डीलिंग का स्टाइल है, जिस तरह से आप गुफ्तगू करते हैं और जिस तरह से आप मतलब टेस्ट करवाते हैं फ्रेग्रेंसेस को, वो उन फ्रेग्रेंसेस से भी ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है। बहुत शुक्रिया, ये तो आपका ज़र्फ है। और जहाँ तक फ्रेग्रेंसेस की बात है तो नो डाउट अच्छी फ्रेग्रेंसेस हैं, और जिस तरह से आप बताते हैं कि इसकी लास्टिंग इतनी है और इसका जो फ्लेवर है या जो उसकी फ्रेग्रेंस है वो इस तरह की है, वो वैसी ही होती है और लास्टिंग भी उसकी वैसी ही जाती है, और आई एम रियली इम्प्रेस्ड। अच्छा माशाल्लाह, आपको और आपकी फैमिली को हमारी खुशबुएं बहुत पसंद आई हैं जी। तो आज माशाल्लाह आप तीसरी दफ़ा गालबन आ चुके हैं या चौथी दफ़ा जी। तो आज आपने डिमांड की आके कि जैद भाई मुझे ऊद फ्रेग्रेंस दिखाएं जी, ठीक है। वो उसकी वजह ये बनी कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई जो खुशबू वो थी कसवतुल काबा। यस, कसवतुल काबा के बारे में मैं अपने व्यूज आपको शेयर करना चाहूँगा। ये ना मेरी फेवरेट फ्रेग्रेंस है, मेरी भी प्लस मेरे घर में भी ये पसंद की जाती है। तो ये मैंने पहले ली थी, कई जगह से मैं ले चुका हूँ, बट मुझे उस तरह की फ़ील नहीं आई जो एक्चुअल कसवतुल काबा की होती है। बट जब मैंने यहाँ से ली तो वाकई एक बड़ी नेचुरल सी उसकी वो फ्रेग्रेंस थी, ऊद के नोट इसमें ऊद के नोट्स उसमें आ रहे थे, और वो मुझे पसंद आई और मेरे घर में भी पसंद आई, क्योंकि ये हमारी एक फेवरेट फ्रेग्रेंस थी, म्यूचुअल हमारी एक अच्छी थी, तो वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो फिर अब आज देखें, ये मैं ऊद के ही आगे उन नोट्स को पसंद करते हुए, उसकी फ्रेग्रेंस को पसंद करते हुए, मैं वही अब आपसे ऊद ही बैठे ठीक रखें। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम वकास है। वकास भाई, आप करते क्या हैं? मैं कंप्यूटर की फील्ड से ताल्लुक रखता हूँ। अच्छा माशाल्लाह, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेरी फील्ड है। ज़बरदस्त। अच्छा, आज की जो फ्रेग्रेंस आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई, आपको काफ़ी सारे ऊद दिखाए मैंने, को 20-25 के करीब जी, उनमें से आपने जो सिलेक्ट किए हैं जो आपको बहुत अच्छे लगे, क्योंकि आप ऑफिस में भी बैठते हैं, यस, आप फैमिली में भी जारी सी बात है आपका जाना होता है, यस, और आप इस तरह की खुशबू लगाते हैं जो यानी सबको पसंद आ जाए, यानी ये आपकी इस तरह की यानी आप लगाना चाहते हैं ना, तो उसमें ज़रा आपकी फील्ड के लोग जो हैं जो ऑफिस में काम करते हैं और वो किस तरह की फ्रेग्रेंस, ताकि उनको भी पता लगे। सबसे पहले वाली ये जो ब्लैक वाली है, मॉडर्न ऊद जी, मॉडर्न ऊद भाई। इसमें ना मैं एक, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक कमेंट अपना ऐड कर दूँ इसमें। जी 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 बिल्कुल। असल में जब हम ऑफिस में मोबाइल बंद करो, किसी ऑफिस में या एक ऐसे रूम में होते हैं जहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे मतलब सारा दिन गुजारते हैं, ऑफिस का एनवायरनमेंट जो होता है, तो वहाँ पे स्पेसिफिकली ऐसी फ्रेग्रेंस होनी चाहिए जो किसी को जो सा ना ज़्यादा तंग ना करे जी, मतलब जी। वो सबको अच्छी फील आ रही हो। तो मैंने ये फील किया है कि जो फ्रेग्रेंसेस मैंने आपसे ली हैं वो इस तरह की हैं जो ज़्यादा शार्प नहीं है, यानी किसी को तंग नहीं करती, तंग नहीं करती। और कुछ होता है ना, कुछ फ्रेग्रेंसेस होती हैं जो सबको ही ज़रा अच्छी लग रही होती हैं, तो मैंने ऐसा फील किया है कि ये फ्रेग्रेंसेस उस तरह की हैं। आल दो कहीं ना कहीं कुछ होते हैं डिफरेंट लोगों के टेस्ट। जब अब इस ऊद की बात करें, ये जो आपने मुझे दिया ये आई थिंक मॉडर्न ऊद है, ये इसकी फ्रेग्रेंस वेरी डिफरेंट, जो एक ऊद का एक स्पेसिफिक जो उसका फ्रेग्रेंस का उसका नोट होता है ना, ये उससे ज़रा हट के इसके नाम को जस्टिफाई कर रहा है इसके नाम को कि ये मॉडर्न ऊद है, और नो डाउट ये एक मॉडर्न टच में इसकी मैंने फ्रेग्रेंस को, और मज़े की बात है ये कहीं से मिलेगा भी नहीं, ये हमने खुद अपनी कम्बिनेशन की है। अच्छा, गुड, सही है, ये बड़ा अच्छा है। हाँ, यानी ये हमने लोगों की डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये डिज़ाइन किया है, ताकि ये ऑफिस में भी चल सके, क्योंकि ऊद आपको पता है वर्ल्ड फेमस फ्रेग्रेंस है जी। ऐसे ही है। तो अच्छा, दूसरा कौन सा आपने? दूसरा मैंने पसंद किया है ऊद अल मसाबी है जी। ये भी ये अपनी जगह पे अपनी अहमियत इसकी अपनी है, ये भी बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। फिर ये आई थिंक वाइल्ड ऊद है, ये भी बहुत अच्छा है। ऊद मालकी जो है ये थोड़ा सा ना, जिसको आप वो बोलते हैं मीठी जो है, ये उस तरह की, बट नो डाउट ये बड़ी एक अच्छी खुशबू है। ये पर्पल ऊद, ये बियॉन्ड द बाउंड्रीज, इसका मतलब ऊद की फैमिली में से एक हट के इसका फ्रेग्रेंस है। और ये जो ब्लू ऊद है, ये जैसे इसका कलर है इसी तरह की इसकी फीलिंग भी आती है, मतलब यानी फ्रेश 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 फीलिंग आती है।
और ये सारे ही वुड जोन से हैं, ये मुझे पसंद हैं जितने भी आपने मुझे दिखाए हैं उसमें से, तो दैट्स ऑल। आप यानी व्यूअर्स को कोई आखिरी पैगाम जो अच्छा? पैगाम यही है कि जो लोग खुशबू को पसंद करते हैं और उनको एक अच्छी प्लेस की मतलब एक अच्छी प्लेस चाहिए और एक रिलायबल प्लेस चाहिए जहाँ से अच्छी फ्रेगरेंस मिल सकती है, तो एक दफ़ा ज़ैद भाई को विज़िट करके देखें, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू।